नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ परीक्षा प्लस टीम की तरफ से जो एमसीक्यू सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सुपर 90 के थ्रू, सो यहाँ पे आज हम जो देखने वाले हैं वो इकोनॉमी सेक्शन को देखने वाले हैं। चूँकि सुपर 90 है क्या, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। सुपर 90 बेसिकली 30 डेज तक डेली हम आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और वो तीनों क्लासेस सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के साथ टॉपिक वाइज होगा। ठीक, अगर सपोज दैट मान लीजिए इकोनॉमी है तो इकोनॉमी की ये थर्ड सेशन आज मैं लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 सेशंस ले चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप तक क्लासेस पहुँच भी गई होंगी, आपने देखा भी होगा। फर्स्ट सेशन की अगर मैं बात करूँ तो मनी एंड इन्फ्लेशन मैंने एक टॉपिक में कवर किया है, सेकेंड में मैंने कवर किया है नेशनल इनकम, और थर्ड पे आज मैं कवर करने जा रहा हूँ हमारी जो विदेश नीति है या फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में हम जिक्र और चर्चा कर रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है और उनके क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है आपके एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो। इवन यहाँ तक की है कि हो सकता है कि क्वेश्चन को पूछने का लेवल अधिक हो बट यूपीएससी में भी सेम उसी टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। बट हाँ, मैं यूपीएससी पे नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ इतना मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ से आपको मदद मिलेगी। ठीक, वनडे में तो श्योर है कि इससे ज़्यादा आपसे पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि मैं वनडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा आप तक डेटा डिलीवर करता हूँ। हाँ, पीसीएस में भी आपका काम चल सकता है बट इसके साथ में आपको थोड़ा करंट की चीज़ों को जोड़ना होगा। ट्रेडिशनल हम यहाँ से कवर कर लेंगे। इसके साथ ही जो एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये परीक्षा प्लस की टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप हैं तो वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एमसीक्यूज आपको सुपर 90 में कराए जा रहे हैं वो अगर मैं उन क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो क्वेश्चंस भी आप मैं लिख रहा हूँ आप अगर इस पर विजिट करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको डेली फॉर्मेट के बेसिस पे मिल जाते हैं। मींस जैसे जैसे क्लासेस प्रोवाइड होती हैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप तक क्वेश्चंस भी मिल सकें और आप यहाँ की ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे पीडीएफ भी आप तक प्रॉपर मिल सके। पीडीएफ में क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चंस के साथ में सबसे बेहतर उनका व्याख्या होता है जो हमारी एक खुद की पहचान है और ये कहीं कट कॉपी पेस्ट नहीं होता, ये हमारे द्वारा खुद लिखा जाता है, हमारी टीम हैंड रिटन करती है, उसके बाद हम आप तक डिलीवर करते हैं। ठीक, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपके सामने रहा आज का ये पहला प्रश्न। अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूँ तो पहले प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे कहता है चालू खाता घाटा के आदर्श मदों में शामिल नहीं है। क्या है? एक तो चालू खाता घाटा और दूसरा शामिल नहीं है। गौर करिएगा, दरअसल नहीं हम जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, प्री एज्यूम कर लेते हैं कि हमने देखा चालू खाता घाटा और ये हम पहले से ही मान लेते हैं कि पूछा जा रहा है कि चालू खाता घाटा के अदृश्य मदों में शामिल है, नहीं पे हमारा ध्यान नहीं जाता। इसे बोलते हैं ह्यूमन एरर और ह्यूमन एरर कॉमनली हो ही जाता है, फिर भी हम अगर ध्यान दें तो इस एरर को हम कम कर सकते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन आपका कहता है कि सेवा का आयात और निर्यात, पहली चीज। दूसरी बात आपसे कहता है कि आय व्यय और लाभांश। तीसरा कहता है धन का प्रेषण हस्तांतरण जिसमें अनुदान और उपहार दोनों शामिल हो, और इसी को एक और कहता है व्यय व्यापार। ठीक, व्यय व्यापार के स्थान पे आप इसको कह लीजिए आय और व्यय। ठीक, कौन इसमें शामिल नहीं है? देखिए, अगर मैं चालू खाता घाटा की बात करूं तो बेसिकली भारत का जो व्यापार संतुलन है, व्यापार संतुलन में भारत में 2 प्रकार के खातों की चर्चा की जाती है, एक है चालू खाता घाटा और एक है पूंजी खाता घाटा। ठीक है, अगर मैं चालू खाते घाटे की बात करूं या चालू खाता की बात करूं आप सही है, चालू खाता। देखिए, चालू खाता घाटा क्या होता है कि जब भी हम अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कोई भी अकाउंट हमारा घाटे का होगा या अधिक का होगा, यह निर्भर करता है कि उस देश का आयात और निर्यात कैसा है।
अगर किसी देश का आयात ज्यादा है निर्यात कम है तो उसका जो चालू खाता होगा वो हमेशा घाटे का बनेगा, जो कि भारत के संदर्भ में आप देखते हैं। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं अधिक के चालू खाता की, तो अधिक चालू खाता तब होगा जब आपका निर्यात ज्यादा और आपका आयात कम होगा, जैसा कि आप चाइना के परिदृश्य पे देखते हैं। ठीक, सो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ चालू खाता। और अगर चालू खाते की मैं बात करूँ तो चालू खाता बेसिकली अगर मैं बात करूं तो चालू खाता भी दो टाइप का होता है। चालू दो टाइप का होता है, पहला जो आपका होता है, एक होता है दृश्य और दूसरा होता है अदृश्य। ठीक, दृश्य में सिर्फ आपका आयात और निर्यात इसी को रखा जाता है। अगर एक देश दूसरे देश के साथ में वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है तो उसके वस्तु को दृश्य खाता में रखा जाता है। ठीक, अगर वहीं पे मैं अदृश्य की बात करूं तो अदृश्य का मतलब है कि आपको देखने से ही पता है कि अगर आप सेवा का आदान और प्रदान कर रहे हैं तो आप इसे मेजर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं अपनी सर्विसेज आप तक दे रहा हूँ, मीन्स आप मेरी सर्विसेज को ले रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं किस माध्यम से आपको देख रहा हूँ। जैसे आपने 2 किलो चीनी मंगाया बाहर से, तो एक गुड्स आपको मिलता है कि हाँ मैंने 2 किलो चीनी लिया, ये चीनी आपके प्रत्यक्ष पे है। ठीक, यानी दृश्य आप देख सकते हैं बट अदृश्य में आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें इनडायरेक्ट या इनविजुअल आप तरीके से आपके पास डिलीवर होती हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है वो करता है आपका सेवा। ठीक, सेवा के साथ ही में अगर धन के प्रेषण हस्तांतरण की मैं बात करूं, अगर विदेशों से किसी भी प्रकार का आप धन का हस्तांतरण कर रहे हैं या रिमिटेंस बाहर से अगर किसी भी तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि इसके बदले आप कुछ दे नहीं रहे हैं। रिमिटेंस का मतलब है जो भारत के नागरिक हैं किसी दूसरे देश में जाके वहाँ काम करते हैं, काम करने के बाद में वहाँ का जो रेवेन्यू जनरेट होने के बाद वो अपने घर वालों को भारत भेजते हैं, वो एक देश का रिमिटेंस कहलाता है। ठीक, और इसे इंटरनेशनल रिलेशन में के टर्म में मैं बात करूँ तो इसे डायस्पोरा और इंडिया के संदर्भ में इसे इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। अगर आप सिविल मीन्स UPSC या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, मेंस में जब आप जाएंगे तो मेंस में आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर से नीचे सबसे लास्ट से अगर आप ऊपर 3 या 4 शिफ्ट यूनिट को करेंगे तो जहां से इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट होता है वहीं पे आपको पहले मिल जाएगा भारतीय इंडियन डायस्पोरा। अब हिंदी में तो उतना रिकॉल नहीं हो रहा है बट इंग्लिश में हो सकता है भारतीय डायस्पोरा ही आपको मिल जाए, वहां पर ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ये टर्म वहीं का है। ठीक, तो धन का हस्तांतरण और जो आपका व्यापार है। ठीक, व्यापार तो आपका नहीं आता। ठीक, बाकी तीनों चीजें आपके चालू खाता के दृश्य अदृश्य मतों में आती हैं। मतलब ये तीनों अदृश्य में है और ये दृश्य मत में आता है। ये है आपका पहला ऑप्शन। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा चालू खाता की और बात करूं तो भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी BOP है, इसको BOP के नाम से जानते हैं। और भारत का जो BOP है में दो खाता होता है, एक होता है चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। ठीक, एक है चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। अगर मैं चालू खाता की बात करूं, जो मैंने आपसे पहले ही कहा चालू खाता में वस्तु का आयात और निर्यात इनको शामिल किया जाता है। देखिए, अगर आप 1 डे की तैयारी कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सामान्यतः देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन ना आपसे कॉन्सेप्चुअल में स्टेटमेंट नहीं पूछता है कभी भी। अगर आपने इकोनॉमी का क्वेश्चन देखा हो तो स्टेटमेंट में या तो पब्लिक पॉलिसी पूछेगा या तो सिंगल लाइन में सीधा पूछ लेगा कि एक सिंगल सी लाइन देगा, लिख देगा कि मुद्रा क्या अवमूल्यन करने पर किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन दे देगा, अब आपको टिक करना है कि मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर आपको मुद्रा का अवमूल्यन पता है तो आप टिक कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसी के साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के विदेश व्यापार में या भुगतान संतुलन में चालू खाता में दृश्य मतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो आप गच्चा खा जाएंगे और सही तरीके से आप नहीं कर पाएंगे कि कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। इसी तरीके से आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मौद्रिक नीति समिति
अपने सीआरआर या एसएलआर के दरों को बढ़ा दे या सीआरआर एसएलआर या रेपो रेट के दरों को कम कर दे तो भारत की मुद्रा स्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चार स्टेटमेंट दे देगा और चार स्टेटमेंट में आपसे टिक करने को कह देगा, वहां पे भी आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे अगर आपने रटा हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो अगर आप सिविल की तैयारी करें तो जरूरी कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर वनडे के तो वनडे में फैक्ट से काम चल जाता है, वनडे में इतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन माने कि बीओपी बैलेंस ऑन पेमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, वो कहीं से भी पढ़े, डजंट मैटर कि आप ये क्लास देखें या ना देखें, बट इतना जाने कि आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। बट कोशिश हमारी यही है कि इस क्लास में मैं आपको भारत का जो विदेश व्यापार है कैसे होता है, क्या होता है, कौन कौन सा टर्म है, मैं आप तक डिलीवर कर सकूं, ठीक है। सो ये चीजें, वहीं पे अगर मैं पूंजी खाता की बात करूं तो पूंजी खाता में अभी हमने आपको बताया कि सेवा का आयात निर्यात है, अगर कोई रिमिटेंस है तो है, हस्तांतरण धन का प्रेषण है तो है, इन सारी चीजों को हम पूंजी खाता में शामिल करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जो ध्यान देने योग्य बात है, वो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा जो चालू खाता है, हमारा जो चालू खाता है, चालू खाता हमारा 1993 और 1994 में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, लेकिन हमारा पूंजी खाता घाटा आज भी आंशिक परिवर्तनीय है। क्या है? आंशिक परिवर्तनीय है, ठीक। पूर्ण परिवर्तनीय का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी भी देश के साथ हम अपनी करेंसी, अपना आयात निर्यात अपनी मुद्रा में चाहें तो कर सकते हैं, मतलब मुद्रा की, अगर मैं परिवर्तनीयता की बात करूं तो एक मुद्रा किसी दूसरे मुद्रा के साथ कितनी आसानी से चेंजेबल है, कन्वर्टेबल है, और एक दूसरे के साथ कितनी बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित कर लेने में कितनी सक्षम है, ये उस मुद्रा की परिवर्तनीयता देखी जाती है, ठीक। अगर मैं बात करूं पूंजी खाता के परिवर्तनीय, पूर्ण परिवर्तनीय के लिए, तो 1996 और 1997 में एस तारापुर कमेटी का गठन किया गया और यह कहा गया कि जैसे हमारा चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय, वैसे हमारे पूंजी खाता को भी पूर्ण परिवर्तनीय बनाने पर आप अपनी सुझाव दें। लेकिन आपको पता होगा कि 1996 में जब यह गठन किया गया तो उसके बाद में गल्फ क्राइसिस आ गया और खाड़ी युद्ध स्टार्ट हो गया। खाड़ी युद्ध के बाद में ये हमारे यहाँ पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बन पाया। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर से 2006 में एस तारापुर सेकंड का गठन किया गया, फिर से कहा गया कि अच्छा चलिए पिछली बार नहीं हो पाया तो इस बार अपने सुझाव दीजिए और हम अपनी पूंजी खाता को कैसे भी पूर्ण परिवर्तनीय बनाएं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि 2008 का सब प्राइम क्राइसिस आ गया अमेरिका का, तो आप देखेंगे कि पूरी विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रही थी तो फिर से हम अपनी पूंजी खाता को पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बना पाए। तो आज भी हमारा जो पूंजी खाता ये आंशिक परिवर्तनीय है और पूंजी चालू खाता को हम 1993-94 में पूर्ण परिवर्तनीय बना चुके हैं, ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत का विदेश व्यापार वर्तमान में विगत कुछ वर्षों से घाटे का रहा है। कारण आपका कहता है कि भारत का आयात ज्यादा और निर्यात कम है। तो आपको भी पता है कि भारत का विदेश व्यापार विगत कुछ वर्षों से घाटे में है और इसके साथ ही कह रहा है कि हमारा आयात ज्यादा और निर्यात कम है। जाहिर सी बात है, अगर किसी देश का निर्यात ज्यादा है, अगर किसी देश का निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो जाहिर सी बात है जो खाता होगा वो घाटे का होगा, ठीक। यही रीजन है कि हमारा जो व्यापार संतुलन होता है, यानी हमारा विदेश व्यापार होता है, हमेशा चालू खाते का ही बनता है और ये चालू खाते घाटे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपका ऑप्शन कह रहा है ए सही बी गलत, ए गलत बी सही, दोनों सही या दोनों गलत। तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। भारत में कुछ दिनों से अगर मैं बात करूं, कुछ सालों से तो जो विदेश व्यापार है वो घाटे में है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं भारत का जो विदेश व्यापार भारत का किन देशों के साथ कैसा है, हम किसके आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात ज़्यादा करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपसे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। पहला, भारत के चालू खाता घाटा पूर्ण परिवर्तनीय है,
जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है, भारत का पूंजी खाता घाटा अर्ध परिवर्तनीय है, चालू खाता घाटा तथा राजकोषीय घाटा दोनों मिलकर जुड़वा घाटा कहलाते हैं, और चालू खाता घाटा को पूंजी खाता घाटा से भरा जाता है। ठीक, ये ऑप्शन है, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूँ पूर्ण परिवर्तनीय, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत का जो चालू खाता घाटा है ये 1993-94 में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, लेकिन भारत का अगर मैं पूंजी खाता की बात करूँ तो पूंजी खाता घाटा आज भी हमारा आंशिक परिवर्तनीय है, हम पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बना पाए हैं। एस तारापुर वन और एस तारापुर कमेटी दो बार हमने गठन किया, 1996-97 और 2006 में, दोनों में दुर्भाग्य रहा है कि हम अपनी पूंजी खाता को पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बना पाए, तो ये भी हमारा सही है। अगर मैं चालू खाता घाटा की बात करूं तो हमारा चालू खाता घाटा भी बना रहता है क्योंकि हमारा आयात ज़्यादा और हमारा निर्यात कम है, और चूंकि हमारा राजकोषीय घाटा भी बराबर बना ही रहता है, तो इन दोनों को मिलकर जुड़वा घाटा कहते हैं, और ये जुड़वा घाटा बनाते हैं। चालू खाता घाटा को पूंजी खाता घाटा से भरा जाता है, ये भी सही है। अभी हम आगे देख लेंगे कि पूंजी खाता में और चालू खाता में क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका अभी राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कब नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब किया गया कब नहीं किया गया इतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट मुद्रा के अवमूल्यन से भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा गौर करिएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं भारत का मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया, कब नहीं किया गया, सॉरी, यही होता है ना ह्यूमन ईरर जो मैंने पहले कहा था, 1949, 1996, 1991 और 2006। ठीक, देखिए 2006 में आपका अवमूल्यन नहीं हुआ है, आपका विमौद्रीकरण हुआ है, विमौद्रीकरण हुआ है, और विमौद्रीकरण क्या है वो भी हम अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक, तो जो आपका अवमूल्यन हुआ 3 बार हो चुका है, 1996 और 1991 में, इन तीनों के टाइम में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। मुद्रा का अवमूल्यन क्या है एक बार हम नजर डालते हैं। ठीक, देखिए अवमूल्यन का सीधा सा मतलब है कि किसी मुद्रा के संदर्भ में या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के संदर्भ में अपनी घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना। ठीक, सीधा सा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के संदर्भ में अपनी घरेलू मुद्रा की कीमतों को कम करना, और कीमतों को कम करना ये अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन भी दो तरीके से होता है, एक होता है कि जब बाजार के मांग और आपूर्ति के सामंजस्य को देखकर अगर मुद्रा का मूल्यन या अधिमूल्यन, यानी एक मुद्रा के सापेक्ष दूसरी मुद्रा का अप डाउन बाजार के डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे हो, तो ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है। लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि अगर वो अपने घरेलू मुद्रा यानी अपने आय अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहती हैं, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहती हैं, तो वो अपने मुद्रा का अवमूल्यन करती हैं और जानबूझकर ऐसी नीतियां अपनाते हैं या अपनी ऐसी नीतियां बनाते हैं जिनके माध्यम से अपनी मुद्रा की कीमतों को कम करते हैं। अब प्रभाव क्या पड़ता है थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए मान लीजिए कि अभी $1 बराबर 70 रुपये है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, $1 बराबर 70 रुपए है, मतलब एक बोतल बराबर $1 मैं मानता हूं। ठीक, मतलब अगर आप एक बोतल पानी बाहर से मंगवाते हैं तो अभी आपके देश से जा रहा है 70 रुपए। ठीक, मतलब 70 रुपए गया, मैं लिख रहा हूं। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने कर दिया मुद्रा का अवमूल्यन, और अवमूल्यन करने के बाद में आपने क्या किया कि आपने मुद्रा की कीमत को कम करके कर दिया 60 रुपए। ठीक, आपने मुद्रा को कम कर लिया, मुद्रा को कम करने के बाद में आपने किया 60 रुपए। अब जब 60 रुपए में आप अपने यहाँ की किसी बोतल को बेचेंगे तो एक बोतल का अब जो दाम है वो हो गया है $1 अभी भी है, और $1 बराबर हो गया 60 रुपए। ठीक, मतलब सीधा सा समझिएगा कि निर्यात को जब आप प्रोत्साहन देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के संदर्भ में आप अपनी मुद्रा की कीमतों को कम करते हैं,
और जब आपके मुद्रा की कीमतें कम होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका वस्तु सस्ता हो जाता है, जैसे कि चाइना खासकर अपनाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में या देशों में आपके वस्तुओं की कीमतें कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि उस देश में उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो आपकी निर्यात ज़्यादा होगी, और अगर निर्यात ज़्यादा होगी तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। सीधा सा बस इतना लॉजिक आप समझिए। इसका रिवर्स मैं बताऊंगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। रिवर्स जानने की जरूरत नहीं है, इतना समझिए कि मुद्रा के अवमूल्यन में एक मुद्रा के सापेक्ष दूसरी मुद्रा की वैल्यू को कम कर लिया जाता है। और कम करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक देश अपने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करता है। अगर किसी देश का निर्यात ज्यादा है, गौर करिएगा, किसी देश का निर्यात ज्यादा है तो वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन बार बार जानबूझ कर करता है, क्योंकि उसका निर्यात सस्ता हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही में गौर करने लायक है कि मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाए तो आपका आयात महंगा हो जाएगा। मतलब आप जब बाहर से जब आप ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं मंगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा बाहर जाएगा। ठीक, इसीलिए सरकारें क्या करती हैं कि अगर आयात ज़्यादा है तो वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन जल्दी नहीं करती। अगर वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देंगी, जाहिर सी बात है कि मुद्रा आपकी कमज़ोर हो जाए, सॉरी मुद्रा आपकी मजबूत हो जाएगी, और जब मुद्रा मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ ही आपका विदेशी मुद्रा भंडार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अगर आपका आयात ज़्यादा है तो। ठीक, ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसको आप भूल जाइए, सिर्फ आप फ्रंट पे लीजिए। मुद्रा का अवमूल्यन का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी घरेलू मुद्रा की वैल्यू को कम करते हैं अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। कोई भी देश अगर निर्यात ज़्यादा करता है तो अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन जानबूझकर करता है, जो खासकर चाइना की सरकार बार बार करती है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा गौर करिएगा। ठीक, इसके साथ ही में अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो मैंने आपको बताया कि भारत अभी तक 3 बार किया। सबसे बड़ी बात है कि 1961 में लगातार भारत ने 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है। ठीक, ये भी थोड़ा गौर करिएगा, ये रहा मुद्रा का अवमूल्यन, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी ऋण से अधिक है, एक दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक, ऑप्शन आपका कहता है विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी ऋण से अधिक है। ठीक, इसी के साथ में जो आपका क्वेश्चन है, ये एक दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी सही है, मतलब आपका दोनों ऑप्शन सही है। घुमा फिरा के कहने से अच्छा मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आपसे बात करता हूँ। ठीक, वर्तमान टाइम में आप नोट कर लीजिएगा कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है जो भारत का, वो 618 बिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक, और जो भारत का विदेशी ऋण है, भारत का विदेशी ऋण है ये 614 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये रिसेंटली डेटा है, ये मार्च के आसपास का डेटा जो कि अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, इससे पहले जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था लगभग ये 624 या 625 बिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन भारत में जब वस्तुएं की कीमतें बढ़ी हैं तो उनकी वजह से थोड़ी कमी आई है। अगर मैं वही विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है वो थोड़ा आप गौर करिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे पहले जो आपका शामिल होता है वो होता है स्वर्ण। स्वर्ण के साथ ही में आपका होता है SDR क्या है हम देख लेंगे बाद में। इसी के साथ में क्या होता है सरकारी प्रतिभूति। ये सारी चीजें मिलके किसी भी देश का, और एक साथ में है कि IMF के पास जमा पैसा। मैं इसलिए लिख रहा हूं ना कि कभी कभी क्या सामान्यतः आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट नहीं है या अंग नहीं है, तो आप इस बात पर गौर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, कौन नहीं शामिल है। अगर वहीं पे मैं SDR की बात करूं तो SDR बेसिकली एक IMF की मुद्रा कही जाती है। SDR पे मैं डिटेल में बात नेक्स्ट टाइम पे करूंगा, बट यहां पे जो समझने वाली चीज है वो मैं थोड़ा लिख रहा हूं। इसमें 5 प्रकार की मुद्राओं को शामिल किया गया है, 5 प्रकार की मुद्रा है। कौन कौन सी मुद्रा है? एक है आपका डॉलर, एक है आपका यूरो, एक है आपका पाउंड, एक है आपका एन, और एक है आपका रेनमेनवी। रेन
मैनबी, और इसी को बोलते हैं युआन। और ये कहाँ की करेंसी है? ये है चीन की, या चाइना, ये चाइना। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों को आप ध्यान रखिएगा कि एसडीआर बास्केट में इन पांच करेंसियों को स्थान दिया गया है। ठीक, तो ये चीजें हैं हमारा विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी ऋण, इस पे आप थोड़ा गौर करिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जरा एक चीज, मैंने आपको कह रहा था कि हमारा आयात और निर्यात कैसा, वो एक बार हम देख लेते हैं। ये डेटा जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, आप इस पे गौर करिएगा। जो भारत का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, मतलब भारत से सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली जो पांच वस्तुएं हैं, उनमें से तीन को तो आपको जानना है, क्योंकि ये कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आपसे पूछता है। ठीक, तो हम सबसे ज्यादा जो निर्यात करते हैं वो पेट्रोलियम उत्पाद का करते हैं, उसके बाद मोती व बहुमूल्य पत्थर का करते हैं, लौह एवं इस्पात का करते हैं, औद्योगिक फार्मुलेशन और स्वर्ण व अन्य आभूषणों का हम निर्यात करते हैं। सबसे ज्यादा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं यही हैं। बेसिकली मैं पहले से इसलिए पीपीटी लगा हूँ ताकि लिखने में टाइम टाइम ज़्यादा लगता है, और डिटेल आपको बताने में टाइम कम लगता है। कम टाइम में मैं ज़्यादा डेटा आप तक डिलीवर कर सकता हूँ। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि भारत का निर्यात सबसे ज़्यादा कौन होता है, खासकर पहले इन तीनों को तो आपको जानना ही है, ताकि कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप सिक्वेंस में लगा सके। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि भारत का निर्यात सबसे ज़्यादा किन देशों के साथ है, तो ये चीजें मैं आपको ये डेटा मेरा नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा। इकोनॉमिक सर्वे जो कह रहा है वो आपके सामने है। इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि भारत सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। ठीक, कितना? 18.1%। संयुक्त राज्य अमीरात के साथ जो हमारा डेटा है, 6.6% का निर्यात हम संयुक्त राज्य अमीरात को करते हैं। चाइना के साथ जो हमारा निर्यात है वो 5.9% है। बांग्लादेश के साथ 3.5% और हांगकांग के साथ 2.8% का हमारा निर्यात है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा निर्यात है वो अमेरिका के साथ है। यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भारत का जो निर्यात है वो अमेरिका के साथ संतुलन में है, मतलब अमेरिका के साथ हम आधिक्य में हैं। सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके संदर्भ में अगर मैं आयात निर्यात की बात करूं तो हमारा निर्यात ज़्यादा और आयात कम है। अन्य जितने भी देशों के साथ हम आयात और निर्यात करते हैं, भारत का निर्यात कम ही है सभी के साथ। और सबसे ज़्यादा घाटा का जो हम सामना करते हैं वो चाइना के साथ करते हैं। आने वाला है आपके आगे, आप देखिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भारत का सबसे ज़्यादा आयात चीन के साथ तथा सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका के साथ होता है। ठीक है, भारत सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद तथा सर्वाधिक आयात क्रूड ऑयल का करता है। ठीक है, भारत का इंपोर्ट कवर 14 से 15 माह तक का है। चलिए, ऑप्शन आपका कहता है कि 1, 2, 1, 3, 2, 3 या सभी। कहना क्या चाह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि भारत का सबसे ज्यादा आयात चाइना के साथ और भारत का सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका के साथ होता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। भारत सबसे ज्यादा निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद का करता है और सबसे ज्यादा आयात जो है वो क्रूड ऑयल का करता है। ये भी राइट ऑप्शन है जो कि आपको पहले से पता है। हाँ, ये चीजें आपके लिए एक नया होगा, इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूँ। भारत का इंपोर्ट कवर 14 से 15 माह तक है, ये भी सही है। आपका जो सही विकल्प है वो है डी। ठीक, इंपोर्ट कवर क्या होता है एक बार आप देख लीजिएगा। इंपोर्ट कवर का मतलब सीधा सा होता है, इंपोर्ट कवर किसी भी देश की विदेशी मुद्रा भंडार से, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर करती है। ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार। देखिए, किसी भी देश का इंपोर्ट, जैसे अभी आप तीन देशों का नाम चर्चे में सुन रहे हैं, पहला दिवालिया होने वाला देश है श्रीलंका, दूसरे की मैं बात करूं तो नेपाल में भी संकट के बादल छाए हुए हैं, और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश। ये तीनों देशों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत कम हो गई है, मतलब श्रीलंका तो बर्बाद ही हो चुका है। नेपाल की स्थिति यह है कि उसके पास जो इंपोर्ट कवर है वो 5 से 6 महीने का बचा है। बांग्लादेश के पास भी 5 से 6 महीने का इंपोर्ट कवर बचा है। इंपोर्ट कवर यह बताता है कि किसी देश की विदेशी मुद्रा भंडार कितनी है और वह आने वाले कितने महीनों तक विदेशों के साथ आयात कर सकता है। ठीक,
जिस देश के पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा उस देश की आयात करने की क्षमता कई महीनों तक होगी। जैसे अगर मैं भारत की इंपोर्ट कवर की बात करूं तो भारत का प्रेजेंट टाइम पे जो इंपोर्ट कवर है वो 14 से 15 महीने है। भारत की जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है, हालांकि भारत का भले ही विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है लेकिन भारत की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से हमारा जो इंपोर्ट कवर है वो 14 से 15 महीने है। साधारण शब्दों में समझिए कि इंपोर्ट कवर यह बताता है कि एक देश के पास बिना निर्यात किए देश की आर्थिक गतिविधियों को अगर रोक भी दिया जाए तो कितने महीने तक का भारत विदेशों से आयात करने में सक्षम है यह बताता है उस देश का इंपोर्ट कवर, और इंपोर्ट कवर के माध्यम से किसी देश की आर्थिक स्थिति का या विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन किया जाता है या एक तरीके से उसकी शक्ति प्रदर्शक या मजबूती का भी सूचक माना जाता है। ठीक है, अगर मैं वहीं पे विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत विश्व में चौथे नंबर पर आता है। ये डेटा आप याद रखिएगा। ये है इंपोर्ट कवर जो मैंने आपको बता दिया है कि इंपोर्ट कवर सबसे ज्यादा उस देश का होता है जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा होता है। ठीक, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है अभी प्रेजेंट टाइम पे मैंने आपको बताया 618 बिलियन डॉलर है और हमारा जो इंपोर्ट कवर है वो 14 से 15 महीने तक का है। ठीक, अगर मैं वहीं पे भारत के आयात की बात करूं तो भारत का जो आयात सबसे ज्यादा होता है हम पेट्रोलियम क्रूड का करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम का 19.2%, सबसे ज्यादा गोल्ड भी हमारा 8.7%, पेट्रोलियम पदार्थ 6.3%, पल्स परफ्यूम स्टोन इन सारों का हम 5% करते हैं और कोयला एवं कोक को 4.9% करते हैं। ये हमारे आयात में सबसे ज़्यादा की जाने वाली मदें हैं। अगर वहीं पे मैं आयातक देशों की बात करूं तो भारत का सबसे ज़्यादा आयात होता है चाइना के साथ 15.9% और संयुक्त राज्य अमीरात के साथ है हमारा 7.3% और अमेरिका के साथ है 7.2%, सऊदी अरेबिया के साथ 5 और इराक के साथ में हमारा 4.9% है। ये डेटा आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पहली बार सुनेंगे जैसा कि मुझे लगता है, लेकिन हो सकता है कि पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है। लोगों को पता होगा कि भारत में सामरिक पेट्रोल भंडार नहीं है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार है क्या, ये आप थोड़ा गौर करिएगा। ऑप्शन है विशाखापत्तनम, मंगलौर, पुदूर और चांदीखोल। ठीक, ये चार स्थान है आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे भारत का सामरिक पेट्रोल भंडार नहीं है। देखिए, भारत में सामरिक पेट्रोल भंडार की मैं बात करूं तो सामरिक पेट्रोल भंडार यह कहता है कि अगर किसी भी देश अगर आज से क्रूड ऑयल का निर्यात बंद कर दे तो भारत कितने दिनों तक अपने तेलों को या अपने संसाधनों को चलाने में सक्षम है या यूं कहें तो कितने दिनों तक उसके पास रिजर्व है, स्टैटिक है। ठीक, या सामरिक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये उस देश के रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है। और यही भारत नहीं विश्व के अन्य देशें भी ऐसा काम करती हैं। सपोज दैट अभी मान लीजिए हमारा क्रूड ऑयल का निर्यात गल्फ कंट्रीज से होता है और कल को गल्फ कंट्रीज में युद्ध छिड़ जाए, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के साथ में गल्फ कंट्रीज सारे ऑटोमेटिक युद्ध करने लगे और युद्ध के साथ ही में हमारा क्रूड ऑयल प्रभावित हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो जो हमारा स्टैटिक रिजर्व होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये दो फेज में किया जा रहा है, एक है फेज 1 और एक है फेज 2। अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो फेज 1 में विशाखापट्टनम, मंगलौर और पुदूर, इन तीनों में हमारे यहाँ एक एक पेट्रोलियम रिजर्व स्टैटिक का निर्माण किया जा चुका है। अब अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो फेज 2 में अभी निर्माण चल रहा है, एक है चांदीखोल, एक है पुदूर, ये दोनों एक एक अभी निर्माणाधीन है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे है डी, चांदीखोल। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम रिजर्व की, ठीक, तो हमारे यहां जो पेट्रोलियम रिजर्व है जो हमारे अभी तक पेट्रोलियम रिजर्व है ये सिर्फ 74 दिनों का है। अगर आज हम अपना आयात बंद कर दे तो 74 दिनों तक ही हम अपने संसाधनों को चला सकते हैं। 74 दिन के बाद जो जहां गाड़ी होगी वहीं खड़ी हो जाएगी। और 74 दिनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है ये 64.5% ये कंपनियां हैं, वो कंपनियां जो भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन करती हैं, जैसे क्या कहते हैं आपका BPCL है, HPCL है, ऐसी जो कंपनियां हैं 64.4 दिन का इनके पास है
और वहीं मैं बात करूं तो 9.5 दिन का जो रिजर्व है वो स्टैटिक है यानी सामरिक है, ठीक, इसे बढ़ाने की बात चल रही है। ठीक, आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत में जो सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व है कितने दिनों की है, 74 दिनों की है। कौन कौन से स्थान है, स्थान आपके सामने है, विशाखापट्टनम, मंगलौर, पुदुर और चांदीखोले। चांदीखोले अभी निर्माणाधीन है इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीन में ऑलरेडी पहले से है, जो फेज टू के तहत बनाया जा रहा है वो आपका एक पुदुर है और एक चांदीखोला है। इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पुदुर में 2 पेट्रोलियम रिजर्व होगा। ठीक, इसी के साथ ही मैं बात करूँ एक लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पूंजी खाता में शामिल है विदेशी निवेश, विदेशी ऋण या विदेशी परिसंपत्ति, तो ये सारे शामिल है पूंजी खाता में। मैंने इससे पहले ही आपसे डिस्कशन किया है। हालांकि पूंजी खाता में एक चीज और इंपॉर्टेंट, मैं 5 मिनट आपका लेना चाहूंगा। पूंजी खाता में जो बात करूं तो एक है सबसे पहले विदेशी निवेश, मैं विदेशी निवेश पे थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विदेशी निवेश जो हमारे यहाँ होता है, एक होता है FDI और एक होता है FPI। ठीक, FDI को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर मैं FDI की बात करूं तो भारत में जो FDI है, एक है ग्रीन फील्ड और एक है ब्राउन फील्ड। और अगर मैं FPI की बात करूं तो FPI में आपका है, एक है QII, ठीक, और एक है आपका FII। ठीक, ये दोनों चीजें हैं। अगर मैं ग्रीन फील्ड की बात करूं तो भारत में अगर ग्रीन फील्ड FDI का मतलब है कि अगर पहले से कोई कंपनियां हमारे यहाँ नहीं है, मतलब अगर किसी नई कंपनी में कोई विदेशी निवेश करता है, मतलब अगर भारत में आ करके वो नई कंपनियों का निर्माण करता है, यहाँ पे औद्योगिक संरचना का विकास करता है, तो वो ग्रीन फील्ड माना जाता है। और अगर पहले से ही किसी कंपनी में आके वह 10% से ज़्यादा की इक्विटी को होल्ड करता है तो वो ब्राउन फील्ड FDI माना जाता है। अगर मैं बात करूं FPI की, तो FPI का जो सीधा सा निवेश होता है वो शेयर मार्केट के माध्यम से होता है। ठीक, और शेयर मार्केट के माध्यम से होता है, और शेयर मार्केट बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक हो शेयर मार्केट में, एक आप पढ़ते हैं प्राइमरी और एक पढ़ते हैं आप सेकेंडरी। अगर आप प्राइमरी को पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है IPO, एक आ जाता है FPO और एक आपका आ जाता है राइट इशू। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ तो सेकेंडरी में एक आपका आ जाता है NSE और दूसरा आपका आ जाता है BSE। NSE की बात करूं तो इसको बोलते हैं, इसके निफ्टी, इसका जो सेंसेक्स है निफ्टी, निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं निफ्टी में? 50। निफ्टी में 50 हैं। अगर मैं BSE की बात करूं तो BSE के को बोलते हैं सेंसेक्स। और अगर सेंसेक्स की मैं बात करूं तो सेंसेक्स में प्रेजेंट टाइम पे 30 कंपनियां हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जब हम अपने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को देखेंगे तो वहां भी हम एक बार शेयर मार्केट आपका ब्रॉड में चर्चा कर देंगे कि IPO क्या है, PFO क्या है, राइट इशू क्या है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है यहीं पे पी नोट। पी नोट क्या है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हालांकि इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट यकीन मानिए कि 2 घंटे के क्लास को अगर मैं 25-30 मिनट में आपको कवर कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि समय थोड़ा लगेगा। अगर आपने ऑलरेडी मेरी इकोनॉमी की क्लास अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि पूरा का पूरा हमने विदेश व्यापार अपना 2 से 2.5 घंटे में कवर किया है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जो क्लास 2 से 2.5 घंटे लगे हैं उनको आधे घंटे 35 मिनट में देना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस को आपके सामने रख सकूं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने एक आपका ओवरव्यू दिया है, इन सारी चीज़ों को हम अपने प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में कवर कर लेंगे। ठीक है, सो ये क्लासेस थी आपके सामने इकोनॉमी की। अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लीजिए और इसे भी आप देखिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।